देखिए इस वीडियो में आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे बहुत से टाइप मिलेंगे, तो हर एक टाइप को सीख के जरूर जाइएगा क्योंकि हर एक टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए आप टाइप 1 के सम दिया है, जब ऐसे सम एग्जाम में आ जाए, देखिए पहले टाइप में प्लस प्लस लिया है मैंने, तो ध्यान दीजिए देखिए क्या करोगे, जब भी ऐसे रूट रूट में सम आएंगे और इंफिनिटी होगा आपको, तो क्या करना है, ए नंबर का ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस जो है वन आ जाए। आपको बता रहा हूं देखिए टू है, तो टू को अगर फैक्टर करोगे तो क्या होगा, देखिए टू वन जा टू, तो टू वन जा टू होगा, इसका डिफरेंस कितना होगा, देखिए वन का डिफरेंस होगा, तो क्या करोगे, देखिए प्लस दिया है, प्लस दिया है तो बड़ा जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, टू आपका आंसर हो गया है। अगर माइनस दिया होता तो छोटा आपका आंसर हो जाता है। इसके लिए आपको देखिए लिख देता हूं मैं, प्लस मतलब बिग और माइनस मतलब स्मॉल लिख देता हूं। इसके लिए मैं ट्रिक देता हूं, देखिए प्लस मतलब क्या, हर एक चीज जुड़ते जुड़ते जाएगा तो वो चीज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा नंबर मतलब प्लस हो जाएगा, और माइनस मतलब क्या, देखिए घटते जाएगा, मतलब हर एक चीज कम होते जाएगा, और हर एक चीज कम होते जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो चीज छोटी हो जाएगी। इससे क्या याद रहेगा आपको, प्लस मतलब बड़ी चीज और माइनस मतलब छोटी चीज, क्लियर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं। यहां पर 12 दिया है, तो क्या करोगे, ऐसा फैक्टर करोगे जिसका डिफरेंस हमेशा 1 आना चाहिए। तो देखिए यहां पर मैं 12 लिखता हूं, यहां पर इसका फैक्टर करता हूं, 6 टू जा 12 भी होता है लेकिन 6 और 2 का डिफरेंस 1 नहीं होता है, तो क्या करेंगे, 4 3 जा 12 करेंगे, तो इसका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस हमारा 1 आ गया है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर प्लस दिया है तो बड़ा नंबर ही हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हो, ऐसा ट्रिक लेके आओ, देखिए 72 दिया है तो 72 का ऐसा फैक्टर करोगे जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो क्या करोगे, 9 8 जा 72, और 9 और 8 के बीच में डिफरेंस, मतलब डिफरेंस मतलब होता है अंतर क्या है, 1 का अंतर है, ठीक है 1। तो अब क्या करोगे, देखिए यहां पर प्लस दिया है तो बड़ा नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहां पर 110 दिया है और प्लस दिया है, डॉट डॉट इंफिनिटी दिया है, तो क्या करोगे, सिंपल लॉजिक के 110 करेंगे हम लोग, और उसके बाद ऐसा फैक्टर करेंगे जिस फैक्टर का डिफरेंस जो है वो 1 आना चाहिए, तो यहां पर लिखता हूं मैं 10 11 जा या 11 10 जा, 110 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस आप बिल्कुल एक स्ट्रेस मत लीजिए, देखिए एक चीज आपके दिमाग में आएगा, सर 10 माइनस 11 करेंगे, 11 माइनस 10 करें, ये दिमाग मत रखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस है, तो यहां पर 1 लिखेंगे, क्लियर हो गया। अब यहां पर प्लस दिया है तो बड़ा वाला ही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 11 इसका आंसर होगा। तो ये टाइप 1 में जो प्लस के सम आते वो आपको सिखा दिया है, अब माइनस होगा, देखिए टाइप 2 लेके आया हूं, देखिए टाइप 1 में आपको मैं प्लस सिखाया, अब टाइप 2 में आपके लिए माइनस लेके आया, साथ ही साथ देखिए जो क्वेश्चन टाइप 1 में था एग्जैक्टली वही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, मैंने साइन को चेंज कर दिया जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। आपको याद रखना है बिग मतलब देखिए प्लस करना है और स्मॉल मतलब देखिए माइनस करना है, इस चीज को ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा बिना पेन पेपर के आप सॉल्व कर सकते हो। आप देखिए यहां पर 2 दिया है तो क्या करोगे, 2 का ऐसा फैक्टर करोगे जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो 2 1 जा 2 हो गया, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, लेकिन अब माइनस दिया है तो छोटा वाला ही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, क्लियर हो गया। यहां पर 12 है तो 12 का ऐसा फैक्टर करिए जिसका डिफरेंस हमेशा 1 आना चाहिए, तो 4 3 जा 12 करेंगे, इसका डिफरेंस 1 आएगा, इसका डिफरेंस 1 आएगा, ठीक है, लेकिन माइनस दिया है तो क्या होगा, माइनस मतलब स्मॉल, तो छोटे नंबर को आप आंसर समझ लोगे, क्लियर हो गया। अब देखिए 72, तो 72 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस जो है फैक्टर का वो 1 आना चाहिए, तो 9 8 जा 72, इन दोनों का डिफरेंस करोगे आप, माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, क्लियर हो रहा है, और यहां पर माइनस दिया है तो छोटा वाला ही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। यहां पर 110 दिया है तो 110 को ऐसा फैक्टर करिए तो 11 10 जा 11 10 जा कितना होगा, 11 10 जा 110 होगा, और इनका डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, क्लियर हो रहा है, और यहां पर माइनस दिया है तो छोटा वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए टाइप 1 में प्लस सिखा दिया, टाइप 2 में आपको मैंने माइनस सिखा दिया, अब बारी है मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आइए सीखते हैं।
चलिए दोस्तों आपके लिए देखिए टाइप थ्री लेके आया हूं। देखिए टाइप थ्री में इस तरह के सम्स आते हैं, आपको याद रखना। देखिए जब भी मल्टीप्लाई होगा और साथ ही साथ देखिए इंफिनिटी का साइन होगा तो आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन है एक सेकंड में सॉल्व हो सकता है। एक सेकंड भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैं, उससे कम टाइम में सॉल्व हो सकता है। आपको ध्यान रखना है जब भी मल्टीप्लाई में होगा और इंफिनिटी होगा तो आपका आंसर पता क्या होगा, एग्जैक्टली वही होगा। हो गया वही आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। और इसका आंसर क्या होगा, 13 होगा। हो गया आपका आंसर। तो जब भी मल्टीप्लाई फॉर्म में हो और इन्फिनिटी आए तो आपका वही आंसर हो जाता है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि इन्फिनिटी नहीं हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग देखिए और एक टाइप लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेके आओ देखिए टाइप 4 लेके आओ। टाइप 4 थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको ध्यान से इसे सीखना होगा। यहां पर क्या दिया, देखिए इन्फिनिटी निकाल दिया है। जब इन्फिनिटी होता तो क्या होता, 5 ही आपका आंसर हो जाता, लेकिन इन्फिनिटी नहीं दिया है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तो कोई फिक्र मत करिए, आपके लिए सिंपल ट्रिक लेके आया हूं। आपको क्या करना, देखिए यहां पर 5 दिया है तो आप यहां पर 5 लिख लीजिए, उसके बाद यहां पर लाइन ड्रॉ कीजिए। अब देखिए यहां पर क्या स्क्वायर रूट है, जब स्क्वायर रूट होगा तो यहां पर 2 लिखोगे, अगर यहां पर क्यूब रूट होता तो यहां पर 3 लिखते, अगर फोर्थ रूट होता तो यहां पर आप 4 लिखते। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए रूट जो दिया है, कितना रूट दिया है, 1, 2, 3 रूट दिया है, तो यहां पर मैं 3 लिख लूंगा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद यहां पर देखिए 2 पावर 3 लिखा मैंने, तो यहां क्या करूंगा मैं 2 पावर 2 लिखूंगा। उसके बाद 2 पावर यहां पर 1 करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा 2 पावर 0 कर लूंगा। क्लियर हो रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए ऐसा क्यों किया, अगर 2 पावर 4 होता तो यहां पर 2 पावर 3 करते और 0 तक जाते। क्लियर हो रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए 5 लिखता हूं यहां पर मैं, और 2 का पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, और देखिए यहां पर 2 का पावर 1 है तो 2, और देखिए 2 का पावर 2 है तो 4, और 2 का पावर 3 है तो 8 हो गया। तो देखिए 5 लिखता हूं यहां पर, 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7, तो 7/8 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया है। अगर आपको समझने में को थोड़ा डिफिकल्टी फील हुआ है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सम इसी टाइप का लेके आता हूं मैं, जिससे आपका कंसेप्ट मैं क्लियर कर पाऊं। चलिए दोस्तों अब आपके लेके आओ, देखिए टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूं, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर कर पाऊं। इससे पहले वाले सम में अगर क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये वाले सम में गारंटी से क्लियर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, जब भी ऐसा सम दिया जाए और इन्फिनिटी नहीं दिया होगा तो क्या करना है, सिंपल ट्रिक फॉलो करना है। आपको यहां पर देखिए 7 7 दिया है तो आपको यहां पर 7 लिखना है। उसके बाद ध्यान रखना है यहां पर देखिए क्यूब रूट दिया है, इससे पहले वाले सम में स्क्वायर रूट दिया था तो यहां पर 2 लिखा था आपने, यहां पर क्यूब रूट दिया है तो आप यहां पर 3 लिखोगे। उसके बाद ध्यान रखोगे ये क्यूब रूट जो है कितने टाइम्स है, तो यहां पर 1, 2, 3, 4 टाइम्स है, तो यहां पर आप 4 लिख लोगे। उसके बाद क्या करोगे, देखिए 3 पावर 3 लिखेंगे और कहां तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे, तो +3 पावर 2 + 3 पावर 1 + 3 पावर 0। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करोगे, देखिए इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3 पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है, 3 पावर 1 मतलब 3 होता है, उसके बाद 3 पावर 2 मतलब यहां पर 9 होगा, और 3 पावर 3 मतलब 27 होगा। और साथ ही साथ देखिए 3 पावर 4 मतलब 3 3 = 9, 9 3 = 27, एंड 27 3 = कितना होता है, 81 होता है। उसके बाद देखिए यहां पर 9 + 1 10 हो जाएगा, और 3 + 27 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका 40 हो जाएगा। तो यहां पर 40/81 होगा, जिससे आपका आंसर जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए नया टाइप स्टार्ट करते हैं, टाइप 5 स्टार्ट करते हैं। अब आपके लेके आओ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप लेके आओ, टाइप 5 लेके आओ। ये टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। आप देख सकते हो यहां पर क्या दिया है, इफ y = √3 + √3 + √3 ·∞ दिया है और y की वैल्यू निकालने बोला है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ सिमिलर लगेगा, टाइप 1 की तरह लगेगा। लेकिन टाइप 1 में क्या होता था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन होता था, जो नंबर होते थे वो नंबर का फैक्टर इजीली निकाल पाते थे। लेकिन अब ऐसा नंबर दिया जिसका फैक्टर आप निकाल नहीं पाओगे। 3 का फैक्टर क्या निकालोगे, 3 1 = 3, डिफरेंस 1 है, नहीं है, तो ये रूल इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो क्या करोगे, देखिए ध्यान दीजिए यहां पर, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका फैक्टर नहीं निकाल पाओगे तो आप यहां पे लिखोगे 3 लिखोगे। उसके बाद देखिए अगर प्लस हो तो आगे जाओगे आप, अगर माइनस हो तो आप पीछे आओगे। क्लियर हो रहा है, क्या आगे क्या पीछे समझाता हूं। देखिए यहां पर 3 है तो यहां पर प्लस दिया हुआ है तो आगे बढ़ना है तो आप लिखोगे यहां पर 4 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। उसके बाद देखो 6 लिखोगे, अगर यहां पर माइनस होता तो पीछे जाते हम लोग, तो 3 है तो क्या करते हैं, हम 2 लिखते, फिर 1 लिखते, फिर 0 लिखते। क्लियर हो रहा है। अब क्यों लिखते हो, रीजन बताता हूं। देखिए यहां पर प्लस दिया है तो आगे जाओगे, तो ये देखिए 4
फोर, फोर का ऐसा आप फैक्टर निकालोगे जिसका डिफरेंस वन आ सकता है, नहीं हो सकता है, कि फोर वन जा फोर होता है और टू टू जा फोर होता है, डिफरेंस वन नहीं होगा। फाइव का चेक कर लीजिए, फाइव भी ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर निकालने पर डिफरेंस वन नहीं आएगा। तो देखिए सिक्स देखोगे आप तो इसका जो फैक्टर देखिए थ्री टू जा सिक्स है और इसका डिफरेंस जो है वन आता है, तो आपका देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो आप, देखिए ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थ्री टू दिया है तो वैल्यू क्या होगा, टू लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू थ्री, ये आपको लिख देना है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे ऐसे डिफिकल्ट सम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोई फिक्र मत करिए, अगर ये सम में समझ नहीं आया तो और एक सम आपके लेके आ रहा हूं जिसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपके लेके आओ, देखिए टाइप फाइव में क्वेश्चन नंबर टू लेके आया हूं, देखिए जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर कर पाओ। इससे पहले वाला सब में क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये सब में गारंटी से क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हो यहां पर देखिए रूट सेवन प्लस रूट सेवन दिया है और इन्फिनिटी तक गया है। देखिए अब वाई की वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालोगे, देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा और ऐसे नंबर दिया जाएगा जिसका फैक्टर निकाल नहीं पाओगे और उसका डिफरेंस वन नहीं आ पाएगा, तो आप ट्रिक क्या यूज करोगे, देखिए यहां पर आप सेवन लिख लोगे, उसके बाद देखिए प्लस फॉर्म में दिया है, यहां पर प्लस है, तो प्लस देंगे तो आगे के नंबर जाओगे, अगर माइनस देंगे तो पीछे के नंबर जाओगे। क्लियर हो रहा है, यहां पर प्लस दिया क्या करेंगे, देखिए 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, 8 के बाद देखिए 9 आता है। क्लियर हो रहा है। और ये नंबर क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा नंबर लेना है 7 के बाद जिसका फैक्टर निकालने के बाद दो फैक्टर का डिफरेंस 1 आ जाना चाहिए। तो अब 8 करोगे तो 8 का फैक्टर निकालिए तो 4 2 जा 8 होता है, डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। तो 9 में जाइए आप तो 3 3 जा 9, इसमें भी नहीं हो रहा है। तो अब 10 में जाइए तो 10 के अंदर भी क्या है, देखिए 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो 11 पे जाइए आप, 11 पे जाओगे तो भी नहीं होगा, तो क्या होगा, देखिए 12 पे जाइए। तो आपको क्या करना है, ऐसा नंबर चेक करना है जो नंबर का फैक्टर का डिफरेंस 1 आ जाए वही नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए तो यहां पर 12 आ गया, तो 12 का अगर फैक्टर करोगे अगर आप अगर, तो 3 4 जा 12 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 हो सकता है। तो देखिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू जो होगा इसके बीच में आएगा, तो 3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4, ये हो गया आपका आंसर। आप देख सकते हो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया है। सिंपल लॉजिक है, अगर आपको यहां माइनस दिया होता तो क्या करते, देखिए माइनस दिया होता, बता देता हूं आपको, देखिए इसी सब में बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, देखिए माइनस दिया होता तो आप क्या करते, 7 के बाद क्या आता, 6 होता। तो यहां पर अगर प्लस की जगह पर, अगर प्लस की जगह पर माइनस दिया होता तो 7 के पीछे जाते हम लोग, माइनस दिया है तो देखिए 6 है, 7 के बाद 6 ही नंबर है, तो 6 का फैक्टर निकालिए तो 3 2 जा 6 होता है, तो इसका डिफरेंस 1 होता है। तो वैल्यू क्या होगा, 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि देखिए छोटा नंबर आगे आएगा और बड़ा नंबर पीछे आएगा, तो ऐसे आपको एडजस्ट करना है। तो चलिए दोस्तों अब आपके लेके आओ, देखिए आखिरी टाइप लेके आओ, टाइप 6 लेके आओ, देखिए इसमें क्या दिया है। आप देख सकते हो इफ x इक्वल टू रूट के अंदर 3 पावर 3, रूट में 9, रूट में 3 पावर 3, रूट में 9, डॉट 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 इन्फिनिटी दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे करोगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। आप ध्यान दोगे, देखिए यहां पर 3 पावर क्यूब दिया और ये देखिए इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 पावर स्क्वायर दिया है, और यहां पर देखिए 3 पावर 3 और देखिए यहां पर 3 पावर स्क्वायर दिया है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो बेस जो होता है यही आपका आंसर होता है। मतलब क्या होगा, x का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा, तो 3 पावर 1 मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए और एक क्वेश्चन लेके आता हूं इसी टाइप में जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। जो भी बेस होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूलें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और ऑल क्लिक कर देना। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह।